रतिया में जीएन इंटरनेशनल के वार्षिक समारोह में राज्य मंत्री कृष्ण बेदी पहुंचे। वहीं उनके साथ थानेसर विधायक सुभाष सुधा और जिला अध्यक्ष वेद फुल्ला भी समारोह में पहुंचे। इस दौरान कृष्ण बेदी ने छात्राओं को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस और इनेलो बसपा गठबंधन को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं, न ही कांग्रेस का कोई वजूद है। साथ ही उन्होंने इनेलो बसपा के गठबंधन को भी महा ठग बंधन बताया। के अंदर मैं तो आज से नहीं बात कर रहा, पिछले चार साल से कर रहा हूँ। विपक्ष मुद्दा विहीन है, विपक्ष दिशाहीन है। विपक्ष के पास हरियाणा की जनता के लिए ना कोई नियत है, ना नीति है, ना कोई एजेंडा है, ना उनके पास कोई प्रोपेगेंडा है। वो तो अपने अपने डबली अपना अपना राग लेकर चले हुए हैं। वो विधायक बनने की और सांसद बनने की दौड़ में नहीं है। जो भी कांग्रेस का नेता उठता है वो सीधा मुख्यमंत्री की दौड़ में है। और उनका एक फार्मूला उन्होंने जो अपनाया है सिर्फ यही है कि मुख्यमंत्री का नाम लेके कम से कम विधानसभा नहीं जाओ।